5,500 टन कूड़ा कैसे साफ होगा, वक्त कम, टास्क सख्त। LWMC को आज शाम तक की डेडलाइन, 8,000 वर्कर्स की छुट्टी भी मंसूख कर दी गई। 300 मकामात पर ताहाल कूड़े के अंबार मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी से। जी बिल्कुल, LWMC की जानिब से शहर लाहौर में सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और आज शाम 6 बजे तक की डेडलाइन दी गई है हुकूमत की जानिब से कि आज शाम से पहले पहले जो है वो पूरे लाहौर की सड़कों, गली मोहल्लों को जो और चौराहों को जो है वो कूड़ा करकट से मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया जाए। लेकिन शहर के पसमानदा इलाके जो हैं वो अभी भी ताहाल कूड़ा करकट के जो है वो ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन अहसन शहजाद आपको दिखा सके कि ये वो कूड़ा है जिसका जो है वो पूरा एक ढेर लगा हुआ है और इसमें जो 10 दिन का 12 दिन का कूड़ा जो है मुसलसल यहाँ पर फेंका जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अगर आप ये देख सके कि LWMC की गाड़ियां जो हैं वो इस रोड के ऊपर से गुजर के चली जाती हैं, इस कूड़े की तरफ देखती हैं, इस कूड़ा क्रिकेट की तरफ देखती हैं, लेकिन इसको नहीं उठाया जाता है, जिसके बाइस जो है वो अहले इलाका और इलाका मकीन जो हैं वो मुश्किलात का शिकार है। और इनका क्या कहना है मजीद, आप बताइएगा कि इससे ताफुन और बीमारियाँ फैल रही हैं, अहले इलाका जो है वो शिकायत नहीं करता? करते हैं जी, सब लोग शिकायत करते हैं, इन लोगों को सैलरियाँ भी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये लोग किसी तरफ तवज्जो ही नहीं देते हैं। कभी ऐसा हाल नहीं हुआ था लाहौर का, आप लाहौर की किसी भी सड़क पर चले जाएं यही हाल है। यहाँ से आप उधर घोड़ेशा चौक में चले जाएं, हमारे उधर शाहबाग में आ जाएं, कूड़ा ही कूड़ा आपको नजर आएगा, लोग बीमार। बिल्कुल, आपने जो है वो शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि LWMC के जो मुलाजमीन थे अब तो उनको जो तनख्वाहें और सैलरियाँ वो भी मिल चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पसमानदा इलाका है जो कि चाइना स्कीम, शाहबाग, घोड़ेशा और बोगीवाल रोड का जो इलाका है वहाँ पर ताहाल कूड़ा जो है वो नहीं उठाया जा सका है। ये कहना है कि बारिश की वजह से बदबू और ताफुन पूरे इलाके में फैल जाता है, जिससे ना सिर्फ बच्चे और शहरी जो हैं वो बीमार हो रहे हैं बल्कि जो है वो यहाँ से गुजरना महाल। शुक्रिया अब्दुल कादिर मत्ती।